हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के बीच आया हूं, लेकिन आज से आप लोगों को डेली बेसिस पे वीडियोस मिलेंगे और आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड मैं शुरू से ही आप लोगों को काफ़ी अपडेट, काफ़ी स्टडी मटेरियल देते आ रहा हूं। तो उसी के रिकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी था कि रिज़ल्ट कब आ रहा है, रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो रिज़ल्ट के रिगार्डिंग एक नोटिस आई है, रिज़ल्ट डेट लगभग अनाउंस्ड हो चुका है, उसके रिगार्डिंग एक नोटिस आई है। मैं आप लोगों के बीच वो न्यूज़ लेके आया हूँ जो काफ़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रिगार्डिंग एक नोटिस आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बिहार, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे नीचे इंपॉर्टेंट नोटिस करके अपडेट किया गया है कि ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, रिजल्ट ऑफ असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर विल बी पब्लिश्ड आफ्टर पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2019। जी हाँ फ्रेंड्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत असिस्टेंट क्लर्क और असिस्टेंट मैनेजर के जो रिज़ल्ट हैं वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद, यानी कि 23 मई को जब रिज़ल्ट आ जाएंगे, तो उसके बाद आप लोगों के रिज़ल्ट जो है वो पब्लिश्ड कर दिए जाएंगे। आप लोगों का रिज़ल्ट पब्लिश्ड कर दिया जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी असिस्टेंट मैनेजर की के लिए जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा गया था, वो लोग इंटरव्यू की तैयारी में लगे रहें, कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है। उम्मीद करते हैं कि लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून में, जून तो मे बी ना जाए, लेकिन लास्ट वीक ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून में, चूँकि बिहार कोऑपरेटिव है तो लास्ट वीक ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपके रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो आप और क्लर्क के लिए काफ़ी खुशखबरी है कि आप लोगों के फाइनल रिज़ल्ट दे दी जाएंगे, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद फिर आप लोगों के को ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो ये काफ़ी खुशखबरी थी। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए अपडेट जो भी था वो मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। तो आप लोग के लिए खुशखबरी है और जो भी अपडेट्स आएंगे तो आप लोगों को मिलते रहेंगे। और रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को MTS के, SSC के और LIC के इंश्योरेंस अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आप लोगों के रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि LIC के भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, अब मेंस के तैयारी करनी है फ्रेंड्स। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस से के रिगार्डिंग बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इंश्योरेंस अवेयरनेस के वीडियोस भी आप लोगों के बीच लाऊंगा और करेंट अफेयर्स के भी वीडियोस आते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार बनाए रखें। Thank you for watching. Keep watching.